माशाल्लाह ये हो गई है, राइस हो गई है, इसमें भी डालूंगी। एक ये दो ये तीन चार, मैंने बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है ना, तो इस हिसाब से मैंने डाले हैं 4 कप। अब इसमें जाएगा योगर्ट, ये योगर्ट पतला किया था मैंने योगर्ट, और इसमें जाएंगी चीनी, और इसमें जाएगा सोडा, और इसमें जाएगा ऑयल। ये मैंने ये वाला योगर्ट डाला है, ये वाला योगर्ट डाला है, और ये वाली ईस्ट डाली है। ईस्ट मैंने पैकेट वाली करती हूँ, बड़े जार वाली नहीं करती, कि उसमें ना ईस्ट को खोलो तो हवा लग जाती है, तो ये अलग-अलग पैकेट बहुत अच्छे होते हैं, जितनी है उतनी यूज़ करें आप लोग। और ये वाला दूध डाला है, ये वाला दूध डाला है, और ये शान का नमक, शान का सॉल्ट, ये नमक शान का, और ये शान की ऑरिगानो, शान की ऑरिगानो, ऑरिगानो का थोड़ा सा हाथ ही हूँ मतलब कि ये देखिए कितने मज़े का राइस हो गया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा राइस हुआ। ईस्ट को और दूध को ना पहले से थोड़े 10-15 मिनट पहले भिगो दे, उसके साथ ये डो बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने इसमें ऑयल डाले, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा ड्राई आटा मैदा, कि ये इसके साथ चिपके नहीं।
इटरे ज़रा मेरे पास लेंथ में है ना, तो उसके लिए मैं लेंथ वाला बना रही हूँ, गोल नहीं बना रही, स्क्वायर बना रही हूँ। इसको डाल के ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है, इसमें थोड़ा सा विनीगर डाला है और टमाटर पेस्ट ये डाला है, टमाटर पेस्ट डाला है और ये केचप डाला है और थोड़ी सी पेपर रेड चिली डाली है और इसकी मैंने पिज़्ज़े की सॉस बना दी है। ये वाली मैं अभी लगाती हूँ, फिर काट देना। चलिए चलिए अब ये मैं लगा के आपको बताती हूँ। बाहर के पिज़्ज़ों में तो चिकन बहुत कम होता है, तो मुझे हमें तो नहीं अच्छा लगता कम चिकन वाला पिज़्ज़ा। हमारी कोशिश होती है कि अच्छा अच्छा डालें ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ही पसंद करते हैं। ये मैं अब ऊपर चीज डाल रही हूँ। ओवन प्री हीट के लिए रखा हुआ है, मैंने लगाया हुआ है, ऑन किया हुआ है, बस ये ओवन में लगाऊंगी। शबत डालूंगा, नजर आती है शबत।
चलिए मैं पहले मैंने प्री हीट कर दिया था ना इसको, तो अब इसको मैं रख रही हूँ। ये पहले मैंने नीचे कान किए फिर ऊपर कान करूँगी। हाँ चलिए।